इंडिया इत्तेहाद 925 से ज़्यादा सीटें जीतेगा। इंडिया इत्तेहादियों की दिल्ली में मीटिंग, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मीडिया से बातचीत। इंडिया ब्लॉक के अराकीन ने हफ्ते के रोज़ एग्जिट पोल से कुछ घंटे कबल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर एक मुलाकात की। 20 से ज़ायद इत्तेहादी इस मीटिंग में शरीक थे, जिसमें 4 जून को इंतखाबी नतायज से कबल अपोजिशन के लाए अमल पर तबादले ख्याल किया गया। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, मीटिंग में हमने कई मसाइल पर बातचीत की। इंडिया इत्तेहाद 925 से ज़ायद सीटें जीत रहा है, हम एग्जिट पोल की बहस में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में खड़गे की रिहाइशगाह पर मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल और दीगर समेत तमाम पार्टियों के आला अफसरान ने शिरकत की। इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस, 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया